नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़ ते भारतीय संविधान के रिगार्डिंग ये अपनी फोर्थ क्लास है। इस तो पहला मैं तीन क्लासा तो प्रोवाइड करवा दी है। इन्हों नोट्स के रिलेटड पूरी फिल्म की स्टोरी मांग तो पूरा तीन पार्टा में पूरी स्टोरी कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी स्टोरी तो मैं समझा दी है। एंड यह फोर्थ पार्ट तो समझ से आएगा जो तुम फस्ट सैकेंड तो थर्ड पार्ट को चंगी तरह देखा है तो ही फोर्थ पार्ट को देखने का फायदा। तो इस तो पहला आप जो भी तीन पार्ट किए उन्होंने गल की कैबिनेट मिशन जो अपने भारत में आया से तो उसने दो गल् रखिया कि एक तो संविधान सभा का गठन होगा तो एक जो तक संविधान नहीं बनता उदों तक तुम अंतरिम सरकार थ्रू शासन कर सकते हो। तो संविधान सभा के गठन बारे आप गल ऑलरेडी कर ली है तो हम आप गल कर लेना अंतरिम सरकार बारे। तो 24 अगस्त 1946 कैबिनेट मिशन और कांग्रेस ने मीटिंग की 2 सितंबर 1946 भारत में इंटरिम गौरमेंट गठन करन दा ऐलान कर दिता। एज इट यह क्वेश्चन उठ के बन सकता है कि अंतरिम सरकार का गठन का फैसला कदों लिता गया। तो हूँ 14 अगस्त 1946 तो मीटिंग बैठी सी ते 2 सितंबर 1946 मतलब कि इसका निर्णय ले लिया गया सी। कैबिनेट मिशन और कांग्रेस की इस मीटिंग विच मुस्लिम लीग पार्टी नू इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि मुस्लिम लीग ऑलरेडी पहला तो ही एक अपना अलग देश बनाना चाहते सी मुसलमान पाकिस्तान जिमें बाद विच इन्होंने पाकिस्तान बना भी लिया सी। इस बारे भी अगे गल करांगे। तो कैबिनेट मिशन और कांग्रेस की इस मीटिंग विच मुस्लिम लीग नू नहीं बुलाया गया। इस करके 16 सितंबर 1946 मुस्लिम लीग ने डायरैक्ट एक्शन डे बनाया जिस विच बहुत सारे दंगे करवाए थे भारत विच जान माल का बहुत नुकसान किया। एग्जाम विच यह क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है कि जिहड़ा डायरैक्ट एक्शन डे आ वह किस नाल संबंधित है। तो याद रखियो भारत विच हिंदू और मुसलमान दे धर्म के दंगों के नाल ही रिलेटड है। तो कदों हुई सी ये मुस्लिम लीग वालों करवाए गए सी ते 16 सितंबर 1946 करवाए गए सी। एंड दोस्तों अगे चलने तो पहले एक छोटी जी जानकारी, जे तुसी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में बाय करना चाहते हो जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर इस पर मैं फॉलो करके मेरे गल करके पूरी जानकारी तुम लै सकते हो एंड इंपोर्टेंट PDF फाइल में बाय कर सकते हो। तो हूँ 2 सितंबर 1946 भारत में इंटरिम गौरमेंट का गठन हो चुका सी। तो इस 13 मैंबर नियुक्त किए गए। इस एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अंतरिम सरकार बनाई गई उस किन्ने मैंबर इनकलूड किए गए से। टोटल 13 मैंबर इस इंटरिम गौरमेंट यानी अंतरिम सरकार इनकलूड किए। इस अंतरिम सरकार का काम की सी मतलब जो तक संविधान नहीं बनता उदों तक देश में जोड़े भी काम हो इंटरिम गौरमेंट के सदस्य ही काम को चलाएंगे। मतलब सिर्फ उदों तक ही जोड़े इंटरिम गौरमेंट द्वारा मैंबर चुने गए ने वह पूरा शासन भारत में चलाएंगे। तो जो संविधान बन जाता है तो हूँ जिस जिमें जिस टाइप के भी रूल्स संविधान में लिखे हुए हैं उस तरह उस तरीके गौरमेंट जी बनाई जाएगी तो फिर वह गौरमेंट ही भारत के शासन चलाएगी। उम्मीद है दोस्तों तुम्हें यह गल पूरी समझ आ चुकी है। जो समझ आ गई है तो वीडियो में यस लिख के कमेंट जरूर कर दो। इंटरिम गौरमेंट के चेयरमैन की गल करिए उसका नाम से लॉर्ड बेबेल नामक एक व्यक्ति से जो अंतरिम सरकार का चेयरमैन सेंड से। इसका वाइस चेयरमैन जवाहर लाल नहरू से तो इसका वित्त मंत्रालय दे चेयरमैन किसने संभाले हुआ से वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान जी ने संभाले हुआ से। कानून मंत्रालय जोगिंदर नाथ जी ने संभाले हुए से। यह चार जिहड़े भी मंत्रालय ने जा चेयरमैनस ने यह काफ़ी इंपोर्टेंट ने। एग्जाम विच इन्हां चारों विचों ही पूछा जाता है। पंजवां तुहाडे तो कोई भी 13 मैंबरां विचों पंजवां मैंबर बारे तुहानूं कदे भी एग्जाम विचों पूछा नहीं जाएगा। अगर किस चीज़ नूं रट लो एक बारी, जिहड़ा इंटरिम गौरमेंट का चेयरमैन से वो लॉर्ड बेबेल सी ते जिहड़ा वाइस चेयरमैन से वो पंडित जवाहर लाल नहरू सी ते वित्त मंत्रालय का चेयरमैन लियाकत अली सी ते कानून मंत्रालय जोगिंदर नाथ खुले सी। तो इस तो बाद ब्रिटेन को डायरैक्ट एक्शन डे नाल संबंधित एक संदेश पहुँच जाता है कि भारत में संप्रदायिक एकता करानी मुश्किल है। ब्रिटेन नूं पता लग गया मुस्लिम लीग है जिहड़े कि भारत में संप्रदायिक दंगे करा रही है। हुण ब्रिटेन का मतलब कि राज सी थोड़ा बहुत राज सी हाले तक संविधान नहीं बनया सी तां पूरा अधिकार सी ब्रिटेन कोल। तां ब्रिटेन तक यह गल पहुँच जाती है कि भारत में मुस्लिम अते हिंदू दोवें धर्म इकट्ठे नहीं रह सकते। तो हुण मार्च 1947 अंग्रेज़ों वल्लों भारत में एक लॉर्ड माउंटबेटन नूं भेजा गया। 3 जून 1947 माउंटबेटन एक योजना लैके भारत आया जिसनों आप माउंटबेटन योजना के नाम नाल भी जानते हैं जां इसनों आप 3 जून योजना के नाम नाल भी जानते हैं।
ਹਲੇ ਹਲੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੂਨ 1947 ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2 ਸੀਮਾ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ, ਇੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, RED ਕਲਿਫ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਤਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਆਯੋਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਨੇ ਮੈਪ ਚੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਲੈਣ ਮਾਰਤੀ ਮਤਲਬ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਮੈਪ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਪ ਚੱਕਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਤੇ ਲੈਣ ਮਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇਹ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਧਿਨਿਯਮ 1947 ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 18 ਜੁਲਾਈ 1947 ਅਤੇ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲੋਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ 1948 ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਦ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ 1948 ਤੱਕ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਪਦ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਜੂਨ 1948 ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੀਚਰ, ਭਾਗ, ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਡੀਪਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।